कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी तरह से जोर लगा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कर्नाटक दौरे पर हैं। शाह 26 मार्च से कर्नाटक में दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस कड़ी में शाह तुमकुर के सिद्धारगंगा मठ गए, जहां उन्होंने मठ के स्वामी से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद अमित शाह ने बताया कि उन्हें स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। स्वामी जी को देखकर ईश्वर की अनुभूति हुई। हमारी पार्टी बीएस येदुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, ऐसे में स्वामी जी का आशीर्वाद हमारी ताकत बढ़ाने वाला और हमें ऊर्जा देने वाला है। बता दें कि सिद्धगंगा मठ लिंगायत समुदाय से जुड़ा है। इसके बाद शाह शिवामोगा में नारियल उत्पादकों के सम्मेलन में भाग लेंगे और राष्ट्र कवि कुवेंपु के घर जाएंगे। मठों का दौरा करने के अलावा शाह किसानों और व्यवसायियों की सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक रोड शो भी निकालेंगे और पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह के इस दौरे से इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि लिंगायत समुदाय अब भी बीजेपी के साथ है या नहीं। बता दें कि राजनीतिज्ञों का मानना है कि कांग्रेस सरकार का निर्णय बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना है। वहीं बीजेपी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले बीएस येदुरप्पा को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है।